हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर। बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक में आज 11% से ज्यादा की तेजी देखने के लिए मिली है। अब चूंकि मैंने आपको कल की तारीख में बताया था यस बैंक का एक सपोर्ट है 46, साथ ही मैंने आपको बोला था कि यहां गिरावट की ज्यादा गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि यस बैंक दोबारा से 40 के लगभग आ जाएगा, तो देखिए वो अपने आप में किस तरीके से गलत साबित हुए हैं आज की तारीख में। साथ ही मैंने आपको कहा था कि देखिए यस बैंक एक रेंज में काम कर रहा है, इसलिए देखिए यहां पर आपको ना ज्यादा खरीदारी ना बिकवाली देखने के लिए मिल रही है। और मैंने कहा था कि संभावनाएं पूरी हैं, यहां पे आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। तो आज की तारीख में किस तरीके की तेजी हमारे सामने आई है वो आप खुद देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक का टॉप गेनर यस बैंक है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से आप यस बैंक के अंदर छोटा छोटा पोजिशनल ट्रेड बनाकर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बना सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ टेक्निकल चार्ट पर चीजें दिखाता हूं जहां आप कुछ चीजें समझ पाएंगे। देखिए ये स्ट्रेटेजी अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता हूं जहां मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बाइंग या शॉर्ट की पोजिशन डेवलप होती है किसी स्टॉक के अंदर। चूंकि देखिएगा थोड़ा सा बेस मैं आपको बता देता हूं, तो आज से कुछ दिन पहले देखिएगा 14 अक्टूबर को ये पोजीशन बनी थी और ये पोजीशन थी बाइंग की। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से यस बैंक ने देखिए तकरीबन 40 के नीचे से देखिएगा मूव दिखाया था और तकरीबन आप देख सकते हैं 55 के ऊपर जाके कहीं ना कहीं हमने यस बैंक को जाते हुए देखा, यानी कि तकरीबन 15 रुपए का मूव हमारे सामने आया इस पोजीशन बनने के बाद। अब देखिए ये पोजीशन बनती कैसे जरा उसको मैं बताना चाहूंगा आपको। तो देखिए 14 अक्टूबर को बनी थी लास्ट, अब देखिएगा 14 अक्टूबर के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें फिर एक सेल पोजीशन भी डेवलप होती है यहां पे, यानी कि एक शॉर्ट पोजीशन बनी थी शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद देखिएगा आज फिर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर से देखिएगा इसमें बाइंग पोजीशन की कंफर्मेशन आ सकती है, क्योंकि यहां बाइंग पोजीशन की कंफर्मेशन आने के लिए सिर्फ इसमें एक स्टेप दूर है अब ये स्टॉक, क्योंकि यहां पर अगर आप 14 अक्टूबर को देखेंगे तो देखिए इस स्ट्रेटेजी के अंदर होता यह है कि 5 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन, यानी कि देखिएगा ये जो रेड लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ये देख सकते हैं आप, उसके ऊपर देखिएगा एक ब्लू लाइन आपको दिखाई पड़ रही है जो कि 10 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन। तो आज की तारीख में 5 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन ने 10 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को देखिएगा कट किया है यहां पर, तो जो अपने आप में एक बाइंग सिग्नल देता है। अब हमको कंफर्मेशन के लिए चाहिए होगा कि देखिए ये जो रेड लाइन है यानी कि 5 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन कट करे 20 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को, क्योंकि देखिए बुलिंजर बैंड की जो ये बीच वाली मिड वाली लाइन होती है ये अपने आप में 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज होता है। तो देखिए जैसे ये रेड लाइन इसको कट करेगी नीचे से तो देखिए यहां पर एक हमारी बाइंग पोजीशन की कंफर्मेशन आएगी। और जिस तरीके से उसके बाद देखिएगा यहां पर अगर मैं आपको बताऊंगा 14 अक्टूबर को इसी तरीके से देखिए पहले 5 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन ने ब्लू को काटा था जो कि 10 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन थी, उसके बाद देखिएगा यहां पर कट किया था रेड लाइन ने यानी कि 5 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन ने 20 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को। तो यहीं पर देखिएगा बाइंग की देखिएगा कंफर्मेशन मिल चुकी थी, यहीं कहीं जिन लोगों ने खरीदा होगा उन्होंने तकरीबन 15 रुपए का प्रॉफिट बनाया। उसके बाद देखिएगा जो आपको बेचना था, देखिए बेचना आपको इस पॉइंट पे था, ये तकरीबन देखिएगा 22 अक्टूबर को ये सेल की पोजीशन आई थी, यहां पर आपको इसे बेच देना था अगर आपने नीचे खरीदा तो। उसके बाद देखिएगा यहां पर एक शॉर्ट की पोजीशन भी बनी थी, बिल्कुल सिमिलर होता है जिस तरीके से हम बाइंग करते हैं उसी तरीके से जब ये लाइन जो होती है 5 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन ये ऊपर से देखिएगा कट करती है अपनी किसी बड़ी सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को, तो वहां पर हमें बेच देना होता है। उसके बाद देखिएगा हमारी शॉर्ट की पूरी क्लियर कट पोजीशन बनती है जब यही देखिएगा 5 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन देखिएगा 20 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को काट देती है, जैसे यहां पर काटा था और यहां पर शॉर्ट की पोजीशन बनी थी, यानी कि आपको यहां पर सेल करना था पहले इस जगह पर जब देखिएगा ये रेड लाइन ने ब्लू लाइन को कट किया, उसके बाद शॉर्ट कर सकते थे आप इसको जब देखिएगा यहां पर इसने रेड लाइन ने ब्लैक लाइन को कट किया था। अब आज की तारीख में जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से विपरीत हो चुकी है, अब फिर से हमको बाइंग का एक सिग्नल दिखाई पड़ रहा है, उसकी कंफर्मेशन का बस वेट रहेगा, उसके बाद देखिएगा आप इसे खरीद सकते हैं। और डेफिनेटली आप इसको यहां पर भी खरीद सकते थे क्योंकि आप खुद देख सकते हैं आज की तारीख में जो हमको दिखाई दी है तेजी वो अपने आप में बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है, वो देखिएगा कैंडल बता रही है कि ये तेजी जो है इसको बहुत आगे तक ले जा सकती है। अब चूंकि हम बात करेंगे देखिएगा अपने एनएससी पर चलकर, अब देखिए एनएससी पर आज की तारीख में देखते हैं तो देखिएगा प्रीवियस क्लोजिंग हमारी 48.30 के लगभग थी और देखिएगा बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये 40 के पास द्वारा चला जाएगा और मैंने आपसे कहा था कि बहुत कम संभावनाएं हैं कि देखिएगा इसमें गिरावट आएगी, क्योंकि जो भी इसमें आने की इसमें लग रही थी संभावनाएं वो तेजी की थी। वहीं देखिएगा ओपनिंग होती है हमारी 48.60
65, यानी कि हमने आज की तारीख में गैप अप ओपनिंग दिखाई तकरीबन 35 पैसे के लगभग। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा हमने हाई बनाया 54.30 का। तो देखिएगा ये जो हाई है उसको आप देख सकते हैं, ये हाई हमारा जो आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा 5.65 रुपए आपको ऊपर दिखाई देगा अपनी देखेगा ओपनिंग से। उसके बाद देखिएगा हमारा लो बनता 45.75 का। अब देखिएगा ओपनिंग से जो हमारा लो रहा है वो देखिएगा 2.90 रुपए आपको डाउन दिखाई देगा अपनी ओपनिंग से। अब ये जो लो है यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारा सपोर्ट 46 के लगभग है। तो देखिए अपना सपोर्ट टेस्ट करने के बाद जिस तरीके की तेजी इसमें आई है वो आपके सामने है और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रेंज में काम कर रहा था। उसके बाद हमारी क्लोजिंग होती है 52.15 की। अब देखिए हमारी जो क्लोजिंग है वो देखिएगा तकरीबन 3.50 रुपए के लगभग आपको देखिएगा ऊपर दिखाई देगी अपनी ओपनिंग से। साथ ही देखिएगा यहां पर 47 लाख से ज्यादा की, अब आप खुद देख सकते हैं क्या क्वांटिटीज लगी हुई है, 47 लाख से ज्यादा की बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है। साथ ही देखिएगा हमारी जो क्वांटिटी आज की तारीख में ट्रेड हुई है, देखिएगा 23.72 करोड़ से ज्यादा आज की तारीख में जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है, वहीं देखिएगा 2.21 करोड़ से ज्यादा की डिलीवरी क्वांटिटी है और तकरीबन 9.35% का देखिएगा डिलीवरी परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखिएगा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ा है और देखिएगा हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है जो शॉर्ट्स डेवलप हो रहे थे कई दिन से आज की तारीख में यहां पर लॉन्ग्स बिल्डअप हुए हैं, जो काफी अच्छी बात है। आगे चल के देखते हैं, देखिएगा हमारा जो अब आपको देखने के लिए मिलेगी ऑप्शन चैन। अब देखिए आप ऑप्शन चैन को सीधे तरीके से समझ सकते हैं, यहां पर आज की तारीख में जिस तरीके से कॉल राइटर्स की पिटाई हुई है वो देखिए अपने आप में देखने लायक है। आप खुद देख सकते हैं एट द मनी हम, देखिए एट द मनी हम 50 और 55 के बीच में आपको दिखाई पड़ेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 50 की स्ट्राइक पर पिटाई हुई है, शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी आपको कॉल राइटर्स की। यहां आप देख सकते हैं किस तरीके से आपकी 23 लाख से ज्यादा की देखिएगा कॉल राइटर्स की देखिए शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। यहां आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं जहां पे 89 लाख से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है। तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि बुल्स की जो पावर थी आज की तारीख में वो इतनी ज्यादा थी कि 50 का जो रेजिस्टेंस था उसे किस तरीके से हमने तोड़ा। वही देखिएगा 50 की स्ट्राइक को अगर देखिए पुट में आप जाके देखेंगे तो तकरीबन 5,34,000 से ज्यादा की पुट राइटिंग, जहां पे 66 लाख से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है। और वहीं देखिए 45 की स्ट्राइक की बात करते हैं जहां पे सपोर्ट पहले से मौजूद था और आज की तारीख में इसमें देखेगा 8,64,000 से देखेगा इसमें पुट राइटिंग हुई है और साथ ही देखेगा 70 लाख से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है। तो वहीं देखिए अगर हम जाकर देखते हैं कॉल में तो देखिए 45 की स्ट्राइक पर 1,69,000 की कॉल राइटिंग है जहां पर देखिएगा 36 लाख से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है। तो डेफिनेटली देखिएगा 45 हमारा एक मजबूत सपोर्ट है, यह चीज हमारे टेक्निकल चार्ट पर भी हमने देख ली थी कल की तारीख में और आज वो चीज देखिएगा प्रूफ भी हो चुकी है। साथ ही देखिएगा 50 की स्ट्राइक पर जो रेजिस्टेंस मौजूद था वो देखिए किस तरीके से टूटा है, यहां पे किस तरीके से शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली है कॉल राइटर्स की, कॉल राइटर्स ने किस तरीके से अपना लॉस बुक किया आज की तारीख में 50 की स्ट्राइक पर। वहीं देखिएगा 55 की स्ट्राइक पर भी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी 6.5 लाख से ज्यादा की कॉल राइटर्स की। वहीं देखिएगा 60 की स्ट्राइक पर भी आप देखेंगे तो 8 लाख से ज्यादा की देखिएगा कॉल राइटर्स की शॉर्ट कवरिंग है। उसी तरीके से आपको देखिए 65 की स्ट्राइक पर भी देखिएगा तकरीबन 1,93,000 से ज्यादा कॉल राइटर्स का लॉस बुक करते हुए दिखाई पड़ेंगे और 8,53,000 से ज्यादा के कॉल राइटर्स आपको लॉस बुक करते हुए नजर आएंगे 70 की स्ट्राइक पर। तो आप पूरी चीजों को समझ सकते हैं पूरे किस तरीके से रेजिस्टेंस आज की तरीके में आपकी ऊपर की भी देखिएगा स्ट्राइक पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। आपको देखिएगा यहां पर 90 की स्ट्राइक पर भी आपको दिखाई देंगी, यहां पर भी देखिए किस तरीके से आपकी कॉल की अनवाइंडिंग होती हुई नजर आ रही है 90 पर। तो आप इन सब चीजों के इंडिकेशन को समझिएगा, ये एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये सारी हमारी जो ऑप्शन चेन है आपको सीधे तरीके से बता रही है कि 45 एक सपोर्ट है और हमारा जो 50 का रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से खुल रहा है। आने वाले दिनों में जिस तरीके की शॉर्ट कवरिंग होगी वो शायद हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज की तारीख में जिन लोगों ने 46 का जब सपोर्ट के आसपास देखिएगा मूव कर रहा था यस बैंक, जिन्होंने यहां पर शॉर्ट करने की गलती करी होगी उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया है यस बैंक ने। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप RSI को देखेंगे तो देखिएगा आप RSI को देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे RSI की स्ट्रेंथ आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए RSI जो अब देखने के लिए मिल रहा है कल की तारीख से अब देखिएगा 53.80 के लगभग देखने के लिए मिलेगा। वन डे पर आप देख सकते हैं RSI की स्ट्रेंथ, यानी कि हमारे बायर्स की स्ट्रेंथ बहुत मजबूत हो चुकी है और इसके कारण ही देखिएगा हमको एक बढ़िया वाली शॉर्ट कवरिंग आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगी। और आप खुद देख सकते हैं जो लोग ये कहते हैं कि यस बैंक जो है वो यहां से मूव नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा देखिएगा कुछ चीजें के बदलने का इंतजार है। उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके की शॉर्ट कवरिंग होगी और किस तरीके से हम 100 के लेवल के ऊपर निकलेंगे। उसके बाद देखिए इसमें
जिस तरीके की खरीदारी आपको देखने के लिए मिलेगी वो देखिए इसको इतनी तेजी से ऊपर लेके जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी तक उन लोगों के शॉर्ट्स निकलने बहुत बाकी हैं जिन लोगों ने काफी लॉन्ग टर्म के लिए इसको शॉर्ट किया है। इस चीज को आप बिल्कुल समझ के चलिएगा और कुछ एक पॉजिटिव न्यूज की जरूरत है, उसके बाद तो देखिए सारी चीजें और सारी तस्वीरें आपको बदलती हुई नजर आएंगी यस बैंक में। तो चलिए फिर से इसी में वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स का ग्रुप में शेयर ना मत भूलेगा। चलिए थैंक यू।